हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल इज टेक माई ब्यूटी। और मैं मीनू फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और वीडियो लेके। एंड अगेन दिस इज़ माई हॉल वीडियो। जी हाँ, दिस इज़ माई विंटर सीजन सरोजनी नगर हॉल वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सरोजनी नगर में बहुत ही वैरायटीज़ के कपड़े बहुत ही डिफरेंट रेंजेस में और बहुत ही अफोर्डेबल आप लोगों को मिल जाते हैं, जो आपके बजट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो मैंने भी वहीं से शॉपिंग की है इस विंटर सीजन में और मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने खरीदी है वो एक आपका टॉप समझ लीजिए, या आप उसको एक कार्डिगन काइंड ऑफ समझ लीजिए। ये इस काइंड ऑफ है एंड इसका जो कलर है बहुत ही लाइटेस्ट ग्रीन कलर का है। एंड कैन यू इमेजिन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दैट। इसका जो प्राइसिंग है वो ओनली 100 रुपीज़ का है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया। एंड ये बहुत ही, इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इनफ है, और आपके साइज़ का भी है, सॉरी फॉर माई साइज़ का भी है। तो इसलिए ये मैंने इसको ख़रीद लिया है। ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। देन नेक्स्ट थिंग जो मैंने एक टॉप समझ लीजिए, या मुझे ये तो ये टॉप लगा बट आई थिंक दिस इज़ अ स्वेटशर्ट काइंड ऑफ टॉप। तो ये इसका जो वर्क है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, वाइट एंड दी ब्लैक कलर का। एंड इसमें ये नेट के थोड़ी सी डिटेलिंग काइंड ऑफ है जिसमें गोल्डन कलर की डिटेलिंग की गई है, जो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। जी हाँ, एंड इसका जो प्राइसिंग है ओनली 250 रुपीज़ का इसका प्राइसिंग है। देन नेक्स्ट हमने एक वन पीस ख़रीदा था, देन जो लॉन्ग है आप इसको एज अ वन पीस, एज अ नाइट ड्रेस, और आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको वेयर कर सकते हैं। ये लॉन्ग है, मतलब आपके नी लेंथ से नीचे है, ये मेरी नी की जो लेंथ है उससे भी नीचे है। तो आप इसको विदाउट लेगिंग्स या विदाउट जेगिंग्स, आप जैसे उसको पेयर करना चाहते हैं आप इसको पेयर अप कर सकते हैं इस ड्रेस को। देन नेक्स्ट थिंग जो मैंने खरीदी फ्रॉम द सरोजनी नगर, दिस इज जेगिंग्स ओन फॉर द कलरिंग, इज अ ग्रे कलर की जेगिंग्स मैंने खरीदी है। मैंने लास्ट टाइम भी एक जेगिंग्स खरीदी थी, वो ब्लैक कलर की थी, तो इस बार मैंने सोचा चलो ग्रे कलर की खरीद के देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने खरीदी थी उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। देन उसका भी प्राइस 200 रुपीज़ था और इसका भी प्राइसिंग 200 रुपीज़ का है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी भी अच्छी है, स्टिचिंग जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये नहीं कि इतनी जल्दी से निकल जाएगी, क्योंकि ये मुझे पसंद आई इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसका प्राइसिंग था 200 रुपीज़। देन नेक्स्ट जो टॉप मैंने ख़रीदा है ये मैंने वहीं से लिया है जहाँ से वो मैंने ग्रीन कलर की कार्डिगन काइंड ऑफ टॉप ख़रीदा था। इस पे ये स्टार की डिटेलिंग है एंड दिस इज़ द बॉटम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड द पर्पल कलरिंग की कॉम्बिनेशन है इसकी। तो मुझे भी ये चीज़ पसंद आई। इसका भी प्राइसिंग 100 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ में टॉप मिल रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। जो मुझे पसंद आया, बिकॉज ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी सिस्टर के लिए है, तो ये उसको भी पसंद आया तो हमने ये ले लिया। देन नेक्स्ट थिंग जो हमने ख़रीदी, एक पजामा हमने वहाँ से ख़रीदा, वुलन का, मतलब बहुत ही नॉट वुलन काइंड ऑफ, बट ये सॉफ्ट है, मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये प्लाजो काइंड ऑफ पजामा है, आप इसे प्लाजो भी बोल सकते हैं या आप उसे इसे पजामा भी बोल सकते हैं, बट बहुत ही अच्छा है, ग्रे कलर का है। इस पर आपकी बियर की डिटेलिंग की गई है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही सुंदर सा लग रहा था तो इसलिए हमने ले लिया। एंड इसका भी प्राइस 100 रुपीज़ का है। देन मैंने एक लॉन्ग स्वेटर खरीदी है अपने लिए, जिसका प्राइसिंग भी बहुत ही अफोर्डेबल है, ओनली 100 रुपीज़ में मैंने ये स्वेटर ख़रीदा है। आप इस स्वेटर को किसी भी चीज़ के साथ वेयर कर सकते हैं, आप इसे जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, लेगिंग के साथ वेयर कर सकते हैं, आप इसको जेगिंग्स के साथ वेयर कर सकते हैं, ये मतलब हर किसी चीज़ के साथ ये जाएगा। तो इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया, बहुत ही अच्छा है और इसका मटेरियल भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और जो इसकी डिटेलिंग मुझे, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन एंड इसका जो पैटर्न जो डिसाइडिंग करके बनाया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ऊपर ब्लू है, नीचे ब्लू एंड वाइट की लाइनिंग है, नीचे ऑरेंज से हल्की सी शेड है एंड दिस इज द ग्रीन कलर। सो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया। और ये मेरे से थोड़ा सा लूज़ है मुझे, बट विंटर्स में तो आप अगर लूज़ क्लोथ्स पहनेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तो और अच्छे भी लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। देन नेक्स्ट हमने गेन एक और टॉप ख़रीदा था वहाँ से सरोजनी नगर मार्केट से, जो कि ये है। इसकी यहाँ पर जो ये डिटेलिंग की गई है
ये नेट की डिटेलिंग है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमें दिख रही थी इसलिए हमने इसे ले लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी ओनली 100 and 200 रुपीज़ से के बीच में। आप विंटर्स के लिए वहाँ से बहुत ही सुंदर से कपड़े वहाँ से ख़रीद सकते हैं अगर आप लोग सरोजिनी नगर जाएंगे तो इन किसी भी विंटर सीजन में। स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है या कहीं से कोई भी डिफेक्टेड नहीं है कि कहीं से कटा हुआ हो या थोड़ा सा भी डिफेक्टेड हो कि हाँ भाई नहीं बेकार है, नहीं बिल्कुल भी बढ़िया एकदम परफेक्ट है और साइज में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ये दिख रहा है। देन नेक्स्ट फिर से मैंने एक लॉन्ग ड्रेस ली है विंटर के लिए, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई इसलिए मैंने इसको तुरंत से ले लिया। इसका जो पैटर्न है फॉर दी दिस काइंड ऑफ लीव्स की जो इसमें डिटेलिंग की गई है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है और इसमें जो पॉकेट्स भी दी गई हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो डिटेलिंग की गई है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मुझे मैंने इसको भी पहन के देखा ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको विदाउट लेगिंग्स जीन्स जेगिंग्स आप इसको वेयरअप कर सकते हैं अगर आप इस काइंड ऑफ ड्रेस अगर आप वहाँ से ख़रीदते हैं तो, बट मैं इसको जेगिंग्स या लेगिंग्स के साथ वेयर करूँगी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आप नीचे शूज़ पहनेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा एक लुक आपको ये विंटर सीजन में देगी। देन नेक्स्ट मैंने वहाँ से ख़रीदी है एक स्वेटशर्ट फॉर माई ब्रदर एंड दिस इज़ दिस स्वेटशर्ट, बहुत ही अच्छी है इसकी क्वालिटी। अगर आप अपने फादर के लिए या अपने ब्रदर के लिए या अपने किसी फ्रेंड के लिए अगर आप वहाँ से ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप बहुत ही अच्छी चीज़ वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये जो स्वेटशर्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसका प्राइसिंग है 250 रुपीज़, जो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे लगा कि हाँ भाई मुझे ले लेनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी और इतनी सुंदर सुंदर वैरायटीज़ थी विंटर कलेक्शन के लिए। तो मैंने जो जो चीज़ें मुझे पसंद आई वो मैंने ख़रीद ली वहाँ से। मैंने अपने मदर के लिए भी एक कार्डिगन ख़रीदी है, मदर के लिए ड्रेस मटेरियल लिया है एंड मेरी टू नीज हैं उनके लिए भी मैंने कपड़े लिए हैं। वो बहुत ही अफोर्डेबल, मतलब आप किसी के लिए भी अगर वहाँ से कपड़े लेना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से वहाँ से खरीद सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ हर किसी के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में और आपके बजट के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसके लिए कोई भी आपको लगेगा कि नहीं कि हाँ भाई मैंने गलती कर दी यहाँ पे आके। देन मैंने वहाँ से दो चीज़ें और ख़रीदी हैं वहाँ से, दिस इज़ दी लिक्विड आईलाइनर इन दी शेड ऑफ ब्लू। मैं इसकी क्वालिटी से अमेज हो गई क्योंकि मैंने जब इसे अप्लाई किया अपने हाथ पे तो जब मैं अपने घर वापस आई और मैंने जब इसको वॉश करना चाहा तो वो छूटा ही नहीं, मतलब मैंने उसको इतनी कोशिश करी कि छूट जाए वाटर से भी, बहुत अच्छे से रगड़ा नहीं छूटा। देन आफ्टर ऑल फिर मुझे वो मेकअप रिमूवर से रिमूव करना पड़ा। इसकी इतनी अमेजिंग क्वालिटी है, ये मार्स का है इन दी शेड ऑफ ब्लू। एंड देन मैंने एक लिपस्टिक भी ख़रीदी है, दिस इज़ फ्रॉम द बीबी लिपस्टिक कलर शो इन दी मैट एंड इसका जो शेड है वो है 05, जो मैंने अभी इस वीडियो में भी वेयर कर रखा है। तो ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ख़रीद ली। इसका प्राइस, दोनों का प्राइस 50-50 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में टू चीज़ें मुझे वहाँ से मिल गई बहुत ही अच्छी वेराइटीज़ के साथ। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी आप आसानी से उन्हें देख पाएँ, वो मिस ना हो पाए। सो टिल देन, बाय बाय।